हम श्री राम के उस संस्कृति में से आते हैं कि जो श्री राम मरते हुए रावण के पास लक्ष्मण को भेजे और ये कहे कि जाओ उस मरते हुए रावण से कुछ सीख के आओ। तो लक्ष्मण जी गए और रावण से सीख के आए। मैं आपको तात्पर्य ये बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में कई ऐसे महामानव हुए जो हो सकता है आपके संस्कृति या फिर आपके विचारधारा के विरुद्ध जाके उन्होंने कुछ बात कह दी, तो सिर्फ उस एक बात के चलते आपने समूची उस मानव को ही पराया कर दिया या फिर उस मानव के सभी गुणधर्मों को ठुकरा दिया। तो आपने सिर्फ जय श्री राम को सीखा है, आपने श्री राम को नहीं समझा। आपने सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाना सीखा लेकिन राम का चरित्र क्या है इस बात को आप अभी तक समझ नहीं पाए। वो श्री राम जो मरते हुए रावण से भी कुछ सिखला जाए या फिर सीख जाए, उस राम को आप कब समझेंगे? आज का हमारा टॉपिक है अनसुने बाबा साहब। मैंने ये टॉपिक क्यों चुना, इसके पीछे कुछ कारण है। आप इस बात को समझो, एक व्यक्तिमत्व जिस व्यक्तिमत्व की चर्चा हर पढ़ा लिखा आदमी करता है, मैं कह रहा हूं हर पढ़ा लिखा आदमी, यदि कोई पढ़ा लिखा आदमी है और वो बाबा साहब को विरोध कर रहा है तो आप इस बात को समझ लेना उस आदमी ने संपूर्णतः बाबा साहब को नहीं पढ़ा, पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति यदि राइट विंग का है, लेफ्ट विंग वाले रैशनलिस्ट नहीं होते, मैं इस बात में पूर्णतः सहमत हो चुका हूं क्योंकि उनकी रैशनलिटी कहां जाके चूल में मर चुकी है पता नहीं। जो लेफ्ट विंग अपने आप को सोशलिस्ट कहलाता है वो कम्युनिस्ट या लेफ्ट विंग का नहीं होता, वो सोशलिस्ट होता है, ठीक है। तो अब इस बात को समझो आप, मैं जब बाबा साहब की बात कर रहा हूं, बाबा साहब ने कई ऐसी बातें कह के रखी है कि जो राइट विंग के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे यहां पे कुछ गट ऐसा भी निर्माण हो चुका है कि जो सिर्फ दो तीन रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म की बातें उठा लेता है। हमारे बाबा साहब ने श्री राम श्री कृष्ण को कुछ कह दिया तो इन्होंने ऐसा कह दिया, अलका ढलाना फलाना। मैं इस बात से विरोध नहीं कर रहा कि बाबा साहब ने संस्कृत का मिसइंटरप्रिटेशन करके रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में चीजें लिखी है ना, लेकिन सिर्फ उन्हीं कुछ बातों के ऊपर आप उस महामानव के संपूर्ण जीवन के चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण कर दे, यह बात सरासर गलत है। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे पॉइंट आउट करना चाहता हूं जिन मुद्दों के ऊपर आज समूची हिंदुत्व टिका हुआ है, जिन मुद्दों के ऊपर हिंदुत्व आज लड़ रहा है, उन मुद्दों के ऊपर बाबा साहब ने बहुत पहले हाथ डाल दिया था। यदि आप समझोगे कि किसी किताब को यदि क्रिटिसाइज करना है तो उस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब अगर कोई ये कहेगा कुरान अच्छा है या बुरा है तो वो तो पढ़ के पता चलेगा, एक बार पढ़ लो, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। लेकिन आप सिर्फ रैपर से बता रहे हो कि नहीं नहीं, सिर्फ कवर देख के बोल रहे हो कि किताब खराब है, नहीं बाबू, कुछ पन्ने खराब होने की वजह से पूरी कहानी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो इस बात को समझो, अनसुने बाबा साहब में मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट्स बताऊंगा जितने पॉइंट्स जरूरी है। ये पूरा चरित्र नहीं है या फिर इसमें सभी पॉइंट कवर हुए, मैं ये भी नहीं कहूंगा, शायद ही हो सकता है पहला पार्ट है, या आपके ऊपर निर्भर करता है कि यदि आपको ये पार्ट अच्छा लगता है तो मैं अगला पार्ट भी निकालू इसका, या फिर मैं ये दायित्व आप पे छोड़ूंगा कि जब मैं कोई मुद्दा बताऊंगा तो उस मुद्दे का मैं रेफरेंस दूंगा कि ये मुद्दा कहां से लिया गया है। ये आपका दायित्व बनता है कि ये देखना कि मुद्दा सच है या झूठ है। तो पहले मुद्दे से शुरू करते हैं। भारत में हमेशा से एक जंग छिड़ी होती है कि भारत की नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। यहाँ के जो लोग अपने आप को मूल निवासी का दर्जा देते हैं वो हमेशा से ये आरोप लगाते हैं कि संस्कृत जो है वो ब्राह्मणों की लैंग्वेज है और सवर्णवादी या फिर ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर थोप दी। लेकिन इसके विरुद्ध बाबा साहब ने ये हु वर द शूजराज में कह के रखा है कि आर्यन थेरी फकाल है, आर्यन थेरी फॉल्स है। इस बात पे ये लोग कभी बात करेंगे नहीं, जबकि बाबा साहब ने संस्कृत का संपूर्णतः समर्थन किया था। ये न्यूज आर्टिकल संडे टाइम्स का है, उस समय पे छपा था, एक ड्राफ्ट पास हुआ था जिसमें बाबा साहब ने समर्थन दिया था, अमेंडमेंट टू ड्राफ्ट प्रोविजन अंबेडकर अमंग सिग्नेटर्स हु सपोर्टेड द संस्कृत, कि भारत की नेशनल लैंग्वेज संस्कृत होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने इसके ऊपर तर्क दिया कि यदि हम दक्षिण भारत में जाए तो दक्षिण भारत के कई लोग ये कहते हैं कि दक्षिण भारत के कई लोग ये कह रहे हैं कि हिंदी उन्हें मान्य नहीं, और नॉर्थ इंडिया के लोग कह रहे हैं कि साउथ की कोई लैंग्वेज उन्हें मान्य नहीं, लेकिन संस्कृत एक में ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल उत्तर में रहने वाले कई लोगों ने किया, यहां तक के शंकराचार्य जो केरला से निकल के आए उन्होंने भी संस्कृत का इस्तेमाल किया, और आज भी संस्कृत का इस्तेमाल समूची भारत में अलग अलग जगहों पे होता है, भले ही ये रीजनल लैंग्वेज ना हो।
लेकिन संस्कृत को एक तरह से नेशनलिस्ट लैंग्वेज बनाना चाहिए। एक आदमी जिसको आपने लेफ्टिस्ट बना दिया, वो संस्कृत के समर्थन में खड़ा था और आज संस्कृत के लिए सबसे ज्यादा लड़ने वाले राइट विंग वाले हैं, तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरा मुद्दा देखते हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके हर मुद्दे के ऊपर एक एक वीडियो बना सकता हूं मैं, लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट में दूंगा, काम आपके ऊपर है क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो यार, और मेरा काम है आपके भीतर जिज्ञासा प्रस्तुत करना, उसका जिज्ञासा आपके भीतर जागृत करना, बस। नेक्स्ट मुद्दा, अगला मुद्दा देखते हैं हम लोग। अब रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में बाबा साहब ने श्री राम या श्री कृष्ण के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया। हो सकता है कि उन्होंने जो हो क्या सकता है हुआ ही है कि जो किताबें उन्होंने पढ़ी वो मैक्स मुलर नाम के मंदबुद्धि ने लिखी थी, जिसने जानबूझकर गलत इंटरप्रिटेशंस संस्कृत के दिए थे। लेकिन बाबा साहब की जो किताब है एनिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें बाबा साहब ये लिखते हैं कि इस राष्ट्र की लोकशाही, इस राष्ट्र की डेमोक्रेसी कैसी हो। उस पर बाबा साहब कहते हैं कि इस राष्ट्र की डेमोक्रेसी होनी चाहिए सर्वम खलिद्वम ब्रह्मा, वेदों की बात कर रहे। फिर लिखते हैं अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषदों की बात कर रहे। फिर लिखते हैं तत्वमसि, ये आदमी तो लेफ्टिस्ट है, ये तो हिंदुज्म का विरोधक है, फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। बाबा साहब ने उसमें कहा है कि हमारी डेमोक्रेसी ऐसी हो कि हम इस बात को समझे दैट वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियंस, और उसका उदाहरण देते हुए बाबा साहब कहते हैं कि जिस तरह से हम इस बात को मानते हैं कि हम उस ब्रह्म का हिस्सा है, अहम ब्रह्मास्मि, और जब मैं अहम ब्रह्मास्मि कहता हूं तो हमें सिर्फ गर्व होता है। जैसे आप कह रहे हो कि मुझे गर्व है मैं भारतीय हूं, लेकिन आपको मैं अगर खड़ा करके भारत के बारे में 10 सवाल पूछ लूं तो आपको नहीं आएगा, तो आपके गर्व होने, गर्वांकित होने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अंधी बहरी आता ना जाता जय भारत माता वाली नारे लगाने के जैसे बातें करोगे। आपका काम है कि आप भारत के बारे में जानो, तभी आप उस बात पे गौरवान्वित महसूस कर सकते हो। तो बाबा साहब ने क्या कहा कि सिर्फ हम बस ब्रह्मास्मि नहीं, तत्वमसि, यानी कि मैं तत्वमसि, यानी कि मेरा उस ब्रह्म के साथ जो कनेक्शन है कि मुझे यह समझना होगा कि मैं उस ब्रह्म का हिस्सा हूं, मैं उस तत् और तत्वम, यानी कि मैं और वो एक है। सिर्फ हम ब्रह्मास्मि कहकर छोड़ नहीं देना, इस बात की अनुभूति करने के लिए, उस ब्रह्मा को समझने के लिए हमें एक तप करना होगा, उस ब्रह्मा को समझने के लिए हमें ज्ञान लेना होगा, और सर्वम खलिद्वम ब्रह्मासि, यानी कि हम उस ब्रह्म के हिस्सा है, और जब मैं सांस लेता हूं या सांस छोड़ता हूं या होना या ना होना सब ब्रह्म है, उसी तरह से मैं भारतीय हूं। यहाँ की लोकशाही पद्धति ऐसी हो कि हमें इस बात की अनुभूति हो कि हम वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियंस एंड नथिंग एल्स। वेदों का एग्जाम्पल दे रहा है आदमी। आप तो कह रहे थे हिंदुइज्म का विरोधक है, मैं इसीलिए कहता हूं किसी आदमी को पढ़ो, एक दो लाइन लिख देने से समूची आदमी का जीवन चरित्र आप बैकलैश नहीं कर सकते। बाद में बाबा साहब ने एक गलती की, उसके बारे में बात करूंगा, एक गलती हुई उनसे जरूर मैं बोलूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आर्यन थ्योरी। हर कोई आके यहां पे ये कह रहता है कि मूल निवासी सवर्ण बाहर से आए, सवर्ण बाहर से ये आज है वो आज हुआ। बाबा साहब ने हू आर द शुद्राज में आर्यन थ्योरी को रेफ्यूट किया है, और उसमें बाबा साहब चैप्टर नंबर 4 में ये लिखते हैं कि आर्यन थ्योरी बकवास है। अब पूरा पूरा क्या लिखा गया है दायित्व आप पे मैं छोड़ता हूं, आपको जाके पढ़ना है, क्योंकि सभी चीजें मैं आपको स्पून फीड नहीं करने वाला, आपको जाके पढ़ना होगा हू आर द शुद्रास चैप्टर नंबर 4। नॉट जस्ट दैट, रीड द होल बुक, पढ़ो ना। दिक्कत क्या है, ये इंस्टाग्राम पे एक आध रील देख ली इसने वो बोल दिया, फिर उधर से एक कोई देख लिया उसने वो बोल दिया, इतना सा बोल के तुमने गालियां देना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता बाबू, पढ़ना पड़ता है, समझे। अब आगे देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे राइट विंग वाले चिल्ला रहे होते हैं कि क्रिश्चियन लोग आके कन्वर्ट कर रहे, मुस्लिम लोग आके कन्वर्ट कर रहे। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ बाबा साहेब वॉल्यूम 17, यहां पे आपको एक लेटर मिलेगा, लेटर लिखा गया है बाबू जगजीवन के द्वारा, ये भी एक बहुत बड़े दलित लीडर थे,
उन्होंने ये लेटर लिखा था बाबा साहब को, और उसमें वो कह रहे हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज समाज में सुधारने का काम करते हैं, लेकिन वो अपने मतलब के लिए, जब जब दलितों के मदद के लिए लोग आते हैं, ये साइड में खिसका के इनको कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर बाबा साहब ने बहुत जम के लताड़ा है क्रिश्चियन मिशनरीज एंड मुसलमानों को, आप पढ़े ही नहीं हो, तो जो कोई जय भीम का नारा लगाते हैं, यदि वो बाबा साहब को पढ़ लेंगे तो उन्हें समझ जाएगा कि कहाँ से कैसे लताड़ना है। सारा काम इस आदमी ने तुमको करके दिया है, सारे पॉइंट इस आदमी ने आपको बताया, लेकिन आपने एक वर्ड के ऊपर इस बात में आदमी को नकार दिया। आपकी तो पूरी नींव खड़ी है ना हिंदुइज्म हिंदुत्व की, क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट, जो ये लोग कन्वर्जन कराए जबरदस्ती का। लेकिन एक गलती अपनी भी हो रही है, अगर आप कास्टिज्म करोगे, आप अगर सामने वाले को मान सम्मान नहीं दोगे, और वो व्यक्ति यदि नीड में, उसे पैसों की जरूरत है, तो एज अ हिंदू ये तुम्हारी सबसे पहली जरूरत बनती है, इवन एज अ इंडियन ये तुम्हारी जरूरत बनती है कि किसी भी जरूरतमंद को जाके तुम्हें सबसे पहले खाना पहुंचाना है, पैसे पहुंचाने हैं। अगर किसी गलत व्यक्ति ने उसके तरफ पैसे पहुंचा दिए तो वो तो मजबूर हो जाएगा बेचारा। और ये बात बाबा साहब ने बहुत जल्दी समझ ली थी। इसके ऊपर से एक और मुद्दा निकल के आता है, लेकिन उस मुद्दे के ऊपर मैं आज बात नहीं करूंगा, वो मुद्दा किसी और दिन, जाके पढ़ो अगला पॉइंट। इंडियन प्रिस्ट सर्विसेस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें बता सकता हूं कि जिस समय पे मैंने जनेऊ कराया, आई एम नॉट बॉर्न एज अ ब्राह्मण और आई एम नॉट बॉर्न एज अ क्षत्रिय, और कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं होता, जन्मना जाए ते शूद्रहा, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में पंढरपुर में मंदिर है, वहाँ के लोगों ने कहा कि तुम किसी भी जाति में पैदा हो जाओ संवैधानिक तौर पे, तुम्हें इस मंदिर में आके पुजारी बनने का अधिकार है। पटना में हनुमान जी का एक मंदिर है, वहाँ पे आज भी जो पुजारी है वो 1994 से शूद्र, संवैधानिक तौर से शूद्र जाति के होते हैं। आर्य समाज किसी भी व्यक्ति की जन्मतः जाति को नहीं मानता, और बिल्कुल सही है, यदि व्यक्ति अपने बुद्धि के तत्पर से उस लेवल पे चले जाए कि जहां से वो वाली से वाल्मीकि बने, तो क्या गलत है। और गुरुकुल पद्धति में यही होता था कि जो व्यक्ति गुरुकुल में जाता था, शिक्षा लेता था, पढ़ाई करता था, फिर उसके बाद उसका वर्ण डिसाइड होता था। तो बाबा साहब ने क्या कहा, बाबा साहब ने कहा कि इंडियन प्रीस्ट सर्विसेस होनी चाहिए, कि किसी भी मंदिर में आज भी अगर आप देखोगे, पारंपरिक तौर पर एक ही जाति, संवैधानिक जाति के तौर पर एक ही जाति के लोग क्यों बैठे हुए हैं, और वो बिल्कुल सही है। यदि आज इस्कॉन में हरे कृष्णा मूवमेंट चल रही है, या फिर आज आप देखोगे कि लोगों लोग यदि बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं भगवान के ऊपर, तो भगवान की पूजा करने का अधिकार सबको क्यों नहीं होना चाहिए, पुजारी के पद पे लोग क्यों नहीं बैठने चाहिए। मैंने जब अपना जनेऊ कराया, मुझे इतनी गालियां पड़ी कि तू निचली जाति का है, तुझे अधिकार नहीं है, ये नहीं है। अरे तुम्हारे बाप ने मेरे को अधिकार नहीं दिया, मैं छीन के लूंगा तुमसे। बाबा साहब ने जो गलती की वो यही की कि बाबा साहब ने धर्म छोड़ा, वो गलती मैं नहीं करूंगा। तुम मुझे कितना भी सताओ, कितना भी परेशान करो, बापू मेरा हक है सनातन, तुम्हारा बाप क्या, तुम्हारे बाप से छीन के लूंगा, मैं सबसे छीन के लूंगा और सब में बांटूंगा, सबको दूंगा वो अधिकार, हक है अपना। बाबा साहब ने एक ही गलती की, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए था, जो लोग परेशान कर रहे थे उनको पटक के मारना चाहिए था, वहीं पे धो धो के सबके सामने, बिल्कुल जनेऊ कराओ दिखाओ करेंगे। और ही वॉज अ रैशनलिस्ट ना, क्योंकि बाबा साहब ने सीधा सीधा कहा है कि जो शूद्र वैदिक समय में थे और जो आज के शूद्र है, दोनों में बहुत अंतर है, इसके ऊपर किसी दिन और चर्चा करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए यहां पे आया हूं। नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं, और यह आखिरी मुद्दा है, मुद्दे यहां पर खत्म नहीं हुए, लेकिन आज तुम्हारी जिज्ञासा की आदमी ने इस बारे में बात करके रखी है। आज सबसे ज्यादा मार्क्सिस्ट लोग बाबा साहब को पकड़ के चलते हैं, बाबा साहब का संविधान, हम मार्क्सिस्ट है, हम समाज में बड़ी एकाग्रता ला रहे। बाबा साहब ने मार्क्सिज्म को जम के लताड़ा। बाबा साहब का ऐसे है, बुद्धा वर्सेस कार्ल मार्क्स करके पढ़ना, मैं सबके रेफरेंस दिए तुम्हें। बुद्धा वर्सेस कार्ल मार्क्स करके बाबा साहब का एक ऐसे है, जिसमें बाबा साहब ये कहते हैं कि जो बुद्धिज्म है और जो कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म है और बुद्धिस्ट का जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म एक तरह से आइडिया है। इंडिया में वैसे राइट विंग लेफ्ट विंग कोई आइडिया पहले थी नहीं, समय के साथ वेस्टर्न से हमने अडॉप्ट की, तो कम्युनिज्म एक आइडिया है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स, जो स्टालिन, जो लेनिन का कम्युनिज्म है,
वो खून खराबे के बिना प्रस्थापित नहीं हो सकता। जबकि बुद्धिस्ट जो कम्युनिज्म है जिसमें किसी से यह कहा जा रहा है कि आपको बुद्धिज्म लेना है आप आ सकते हो, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपना कम्युनिज्म फैलाया, तुम्हें लेना होगा, नहीं लो, मार्शल, उनका कहना है कि बंदूक से आएंगी क्रांति। स्टालिन और लेनिन ने जितने हिटलर ने लोग नहीं मारे उससे 10 गुना ज्यादा लोगों का कत्लेआम उसने किया, 1.5 से 2 लाख लोग उसने मारे, नंबर कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तब जाके रशिया में कम्युनिज्म आया और आज सारे राइटिंग वाले उनको गाली दे रहे, लेकिन तुमको यही नहीं मालूम, और वो बाबा साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे। जितना काम का आदमी उनका नहीं उतना काम का आदमी अपना है। सेम गोज विद द सावरकर, आपने सिर्फ एक लेटर उठाया या कुछ उनके अंश उठाए जिसमें से आपने पूरे इंसान को रेफ्यूट कर दिया। इस बात को समझो, हर व्यक्ति यदि महामानव भी बनेगा लेकिन वो मानव है और गलतियां सभी से होती है। आपका काम यह है कि आप वो व्यक्ति यदि ब्रह्म में लीन हो जाए, मैं राइट विंग वाले जो अपने आप को सनातनी कहते हैं उनसे ये बात कह रहा हूं कि जो व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो जाए उस व्यक्ति में क्या अच्छाई थी उसको आप अपनाओ। क्योंकि आप इस बात को समझो, आप अगर उसको नहीं अपनाओगे तो उसी को हथियार बना के आपके खिलाफ अपने आपके खिलाफ तोड़ा जाएगा, छोड़ा जाएगा। तो मेरा काम आपके प्रति यह है कि मैं आपके मन के भीतर जिज्ञासा जागृत करूं, और वो मैंने आज शायद कर दी है। तो ये था भैया आज का अंक है बाबा साहेब अनसुने बाबा साहेब का वीडियो, ये पहला पार्ट था। मैं आपसे वादा नहीं कर रहा कि अगला पार्ट लेके आऊंगा नहीं आऊंगा, शायद लेके आ जाओ, ठीक है? तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिवराय, जय हिंद, जय भीम।